जनाब जी कभी बोल दिया अरे मतलब इस बार की बात कही जा रही है मैं कहां और को खुश कर दिया को बोलूंगा और आज भी नबी पाक के वसूल के साथ सब के लिए बोले सलाम करते हैं उसको जनाब जी हमारे से साथ हम और भी साथ के फूल बोल बोले और भी आने वाले हैं कुल मिलाने के लिए तो बात करने और इंतजार करना कबूल करते हैं साथ सरकार के ओर से मुबारक के मौके पर जितने भी हाजिर सामने मौजूद हुए मौलाना करीम सभी की में कामयाबी अपने नूर से मुनव्वर ईमान की हिफाजत फरमा ईमान पर खात्मा भी सहर फरमा अकीदों से बदमशहरों से महफूज बनाऊं फरमा जमीनी व आसमानी बलाओं से हम सब की हिफाजत फरमा जिन जिन हजरातों ने दुआओं के लिए कायम मौला हम सभी हजरातों की जायज दुआओं को अपनी वालिदा रबूजत में कबूल फरमा जायज मकासिदों में कामयाबी व कामरानी अता फरमा हम सबकी जायज दुआओं को हाजतों को मन्नतों को मुरादों को आरज़ुओं को हुज़ूर सरकार मक़बूल क़रार दे अल्लाह के सत्ते में ज़मीनी व आसमानी बलाओं से महफूज मामून फरमा दुश्मनों के ज़ालिमीन के ज़ुल्म से मुनाफ़िक़ीन के निफ़ाक़ से हासिदीन की आफ़त से महफूज मामून थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है और दर्शकों इस वक्त हम पानीपत को अलीशाह कलंदर से होते हुए शमशुद्दीन तुर्क पानीपत बुजुर्ग की ज्यारत किए ये उनके वाहिद खलीफा जो मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया हैं जिनकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी बारगाह में हम आए हैं और आज इनका उर्से पाक है तो हम हजरत से रूबरू होंगे और हजरत हम आपका थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में खैर मकदम करते हैं ज़रा हजरत की शिवान हयाती और शमशुद्दीन तुर्क पानीपत से आपका क्या रिश्ता है क्या नाता है ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह अलैह के आप वाहिद खलीफा हजरत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपका 681वां उर्स हो रहा है जिसमें हम बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं जी। इसमें हम भी एक ज़माने से आते हैं क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का ये जगह है
और हज़रत जलालुद्दीन करबियोला रहमतुल्लाह अलैहि की हम 14वीं पीढ़ी से हैं। हज़रत जलालुद्दीन करबियोला रहमतुल्लाह अलैहि की बहुत से तबरुआत हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हज़रत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक, आपके खाने के बर्तन, आपकी तस्बीह और आपका नसबनामा मेरे पास मौजूद है जी। मैं सारे हज़रत जितने भी हाज़रीन आए हैं यहाँ, उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो अपने घर से ही सलामत पहुँचें और यहाँ से जितना भी फैज ले सकें वो फैज लें, जिससे कि लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी दूर से आ रहे हैं और वो सब लोग उर्स मनाने आए हैं, क्योंकि वैसे साहिर पाक का उर्स चल रहा है, उसके मद्देनजर देखते हुए भी काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुँच रहे हैं। मैं उनके लिए भी यही दुआ करूँगा कि अब सफ़र आसान बवस्ता रहे। हज़रत, सबसे पहले हम हमारे चैनल में आपका खैर मकदम करते हैं और कितने वक्त से आप यहाँ पर हज़रत की खिदमत कर रहे हैं और आज जो उर्से पाक का मौका है तो क्या क्या कमेटी की तरफ से इंतजाम हुए, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे। 20 साल हो गए हैं खिदमत करते हुए सभी को जी, मखदूम कमेटी हमारी है सभी की जी, और सभी लोग यहाँ खिदमत करते हैं जी। हर साल की तरह इस साल भी हमने वही लंगर पानी जो किया है, हिंदू मुस्लिम एकता जी, वही सब संदेश सबको देते हैं और सब लोग यहाँ आते हैं और सरकार से फैज लेते हैं जी। तो अभी कम से कम यहाँ पर जो ज़ाहिरीन यहाँ पर आएंगे आपकी बारगाह में सरकार जलालुद्दीन खबीर लौलिया के आस्थाने पे, तो ज़रा आने का थोड़ा सा पता बता दे ताकि लोगों को आने को आसानी हो। ठीक सरकार, ये रास्ता हमारा है वार्ड नंबर 11 पत्थरों वाली गली जी, और पास में कुटानी रोड जी, उसकी तरफ से शाह शरफुद्दीन बोरी शकरंदर के सज्जी तरफ जी, पानीपत। ठीक है जी, और एक ऐसा ज़ाहिरी तौर पे हम जानना चाहेंगे कि सरकार का उर्से पाक और सरकार की जो खिदमत है, कि जैसे हमने पहले भी बताया कि शमशुद्दीन तुर्क पानीपत के ये वाहिद खलीफा है कि नहीं, तो अभी ये उर्स का जो मौजू चला ये आज की तारीख, तो आपने भी हमें कम से कम 3 से 4 साल से लॉकडाउन में भी जब पहली दफ़ा आए थे तो इन्होंने हमसे कहा था कि उर्से के पाक के मौके पर आपने एक हाजिरी लगाना ज़रूर, अब ये इत्तेफाक है, हमें नहीं पता कि यहाँ उर्स है, लेकिन इनकी मोहब्बत थी और ये नस्बत थी एक बुजुर्ग की कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और हमें भी हाजिरी का मौका दिया। तो आप लोगों की ये जो कमेटी है ये फूले फले और तरक्की याफ्ता हो और हजरत लोगों का इसी दरबार से फैज ता कयामत तक जारी और सारी रहे। हम भी आप लोगों को इस बात की मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह आपकी खिदमत को कबूले, इस बात का हमारी पूरी टीम आपका खैर मकदम करती है। तो दर्शकों, हमने एक ज़ाहरी तौर पर सरकार की ज़िंदगी हयाती में जो आपने शमशुद्दीन तुर्क पानीपति के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारी और किस तरीके से एक विलायत के दर्जात को पाए, आप यहाँ मखदूम के मुकाम पर हैं हुजूर, और यहाँ पर जितने भी ज़ाहिरीन और आते हैं वो लोग यहाँ फैज पाते हैं, और जो हम लोगों का बताने का मकसद ही है, जैसे कि हजरत ने भी फरमाया कि यहाँ पर एक वली के दरबार पर सूफी निज़म में जो आके जुड़ता है वहाँ पर इंसानियत का एक अच्छा संदेशा जाता है, जहाँ पर सभी धर्म के जानने वाले और मानने वाले बुज़ुर्गों की सोहबत में आकर यहाँ से इंसानियत का एक निज़ाम फैलाते हैं और लोगों को भी अच्छाई की एक दावत देते हैं। तो इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।